Hi, Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Libra, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, लीब्रा. लीब्रा, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक का नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. लेट्स चेक लीब्रा, आपका फेब मंथ कैसा रहने वाला है. पहले हम देखते हैं योगिक पाथ डेक से आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, लेट्स सी. वाओ, यू गॉट द सीता कार्ड. जेमिनाई का भी एग्जैक्टली सेम कार्ड आया था. सीता रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी, डिवोशन एंड एंड लव. तो मेरे हिसाब से लीब्रा, आप मेरे हिसाब से आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे काफ़ी लॉयल रहेंगे. आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहोगे उनसे. सेकेंडली, मुझे दिख रहा है कि सेल्फलेसली हार्ड वर्क करना, सेल्फलेसली लव शो करना. मतलब किसी से आप, मेरे हिसाब से आप किसी की हेल्प करोगे, लव करोगे इस मंथ. आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे. एंड यू नो व्हाट, सीता ऑल्सो रिप्रेजेंट्स परसिवरेंस. मतलब सालों साल या घंटों घंटों मेहनत करना, हार्ड वर्क करना. सीता जी ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए थे अपनी लाइफ में. तो मेरे हिसाब से आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ा सैक्रिफाइस करिए लीब्रा, तभी आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे इस फेब्रुअरी मंथ में. ओके, लेट्स चेक एनर्जी ओरेकल डेक से क्या मैसेज आता है आपके लिए. लेट्स सी. ओके, वाओ, यू गॉट द फर्स्ट चक्रा, आर्क एंजल माइकल. यस, सो द फर्स्ट चक्रा इज योर रूट चक्रा, जो आपके बेस ऑफ स्पाइन में लोकेटेड होता है. आपके एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं लीब्रा कि फेथ बना के रखो अपने ऊपर, अपने ऊपर फेथ रखो. मेरे हिसाब से आप एक ना सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनने वाले हो फेब में. आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी काम को निकलवाने के लिए या किसी अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए. आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन बनने वाले हो फेब मंथ में. सेकेंडली, आई एम सीइंग दैट यू आर बिकमिंग दिस वॉरियर. आप अपने प्रॉब्लम्स को फेस करोगे करेजस, हिम्मत से. और मेरा डॉगी खटखटा रहा है. लाइक आई वॉज सेइंग कि आप हिम्मत से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे. मेरे हिसाब से अब ना, जैसे बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, विक्टिम मेंटालिटी में शायद आप थे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वाई इज़ दैट, वाई इज़ दिस. अब आप मेहनत करने वाले हो, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे डट के सामना करने वाले हो. यही आपके एंजल्स बोल रहे हैं, स्पेशली आर्क एंजल माइकल की ब्लेसिंग है कि हैव फेथ इन योर सेल्फ. अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे डट कर सामना करो. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है आपके लिए लीब्रा. लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बींग्स एंड एंसेस्टर्स, जनरल रीडिंग फॉर लीब्रा इन द मंथ ऑफ फेब 2024. ओके, लेट्स कट द डेक. लेट्स सी. Ten of Pentacles, amazing. The Chariot, wow. And Eight of Cups. Bottom of the deck is Two of Swords. Yeah, an amazing energy. Amazing. You got very beautiful cards. देखिए, वो पहले मैं इस Two of Swords के energy से start करना चाहती हूँ कि like I said, आप अपने अब जो भी fears हैं, जो भी problems हैं, उसे आप डट के सामना करने वाले हो. बिल्कुल दिख रहा है with the Chariot energy. बिल्कुल. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है लीब्रा, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम, वही आप नेगेटिव माइंडसेट से, आप विक्टिम मेंटालिटी से आप मूव ऑन कर रहे हो. रोना बहुत हो गया पास्ट में, आप लोगों ने बहुत रो लिया, बहुत गा लिया, बहुत अब बैठे बैठे हो गया. अब फेब में, मेरे हिसाब से फेब से अब आपका एक्चुअल मंथ स्टार्ट हो रहा है लीब्रा. फेब में अब आपका वो होगा कि लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. अब बहुत हुआ, अब लाइफ की जर्नी अब से स्टार्ट होने वाली है फेब से. आई थिंक नाउ योर अप्रोच इज की एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होने वाली, कि अब करना है, अब मेरे ये गोल्स है तो इसमें मुझे ये एक्शन लाना है. भले ही आप रिजल्ट का, आपको उतना नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा,
बट अब आप एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो। सेकेंडली मेरे हिसाब से पास्ट के आप ट्रॉमा से, पास्ट के ब्रेकअप से आप मूव ऑन कर रहे हो, ऐसे लोगों से मूव ऑन कर रहे हो जो जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप दूसरे सिटी में जा सकते हो, दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो रिलेटेड टू वर्क इन द कमिंग फेब मंथ। ओवरऑल मूवमेंट का कार्ड है, मूवमेंट टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिव एनर्जी। सो गुड एनर्जी कमिंग अप फॉर योर लीब्रा। चैरियट की का कार्ड आया है, विच मीन्स कि जिनका गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट अगर इनका आने वाला था फेब में, आने वाला है फेब में, तो आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। सेकेंडली लीगल केसेस जिनके अटके हैं और जिनका कोर्ट में अगर हियरिंग है फेब मंथ में, तो आपके फेवर में वो लीगल केस आप विन कर सकते हो। थर्डली द चैरियट रिप्रेजेंट्स प्रमोशन एज वेल, सैलरी हाइक एज वेल, तो बहुत लोगों का प्रमोशन सैलरी हाइक मुझे फेब मंथ में दिख रहा है। ओवरऑल मुझे दिख रहा है आप लोगों को शायद टीम लीडर बनाया जा सकता है। वन मोर एनर्जी आई एम गेटिंग इज दैट आप लोग शायद एक कोई व्हीकल या मोटरसाइकिल, कार या साइकिल फॉर दैट मैटर आप खरीद सकते हो, शायद इंजन्स में, या फिर टेक्निकल आइटम्स खरीद सकते हो जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या स्पीकर्स हो सकता है, आप शायद कोई टेक्निकल साउंड रिलेटेड आइटम्स भी खरीद सकते हो। एंड आई एम सीइंग दैट यू विल बिकम दिस वेरी मच कॉन्फिडेंट पर्सन। एवरीवन विल अराउंड यू विल रियली लुक अप लुक ऑन यू एंड से दैट भाई मुझे तो लीब्रा की तरह बनना है। आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो फेम में, आप इतने अच्छे एक्शंस करने वाले हो, इतनी मेहनत करने वाले हो कि लोग, आसपास के लोग आपसे आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, कहेंगे कि मुझे तो लीब्रा जैसा बनना है। सो गुड। एंड ऑल्सो बिजनेस में, काम में आपका फोकस 200% रहने वाला है, फोकस आपका बढ़ने वाला है। ओके ग्रेट एनर्जी। हेल्थ भी मुझे आप लोगों की बहुत अच्छी दिख रही है फेब मंथ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत लोग का शायद रिश्ता तय हो सकता है फेब में अगर आप लोग बहुत टाइम से लड़की या लड़का ढूंढ रहे हो। सेकेंडली पैसे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फैमिली में काफ़ी वेल्थ आते हुए दिख रही है। वही अगर लीगल डिस्प्यूट चल रहा था लैंड का, प्रॉपर्टी का, रिलेटिव्स के साथ या किसी किसी अनजान व्यक्ति के साथ, तो आपको आपके फेवर में डिसीजन आते हुए दिख रहा है लीब्रा। फैमिली में काफ़ी खुशियाँ दिख रही हैं, फैमिली में आप लोग शायद सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो, पार्टी करते हुए दिख रहे हो। अगर एनिमल्स हैं आपके फैमिली में, वो उनकी अगर हेल्थ इश्यू था तो उनकी हेल्थ मुझे अच्छी होते हुए दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ फैमिली इनहेरिटेंस, तो शायद आपको अपने पापा से, मम्मी से कुछ प्रॉपर्टी या वेल्थ मिल सकती है फेब मंथ में। ओवरऑल फैमिली में मुझे काफ़ी हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। सो फेब इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव मंथ फॉर यू। एक्शन ओरिएंटेड बनना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, हार्ड वर्क करना है। सी मेरा लीब्रा राइजिंग है, तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पा रही हूँ। आई एम एक्चुअली डेफिनेटली फॉलोइंग दिस दिस गाइडेंस। एंड दिस वॉज योर जनरल रीडिंग लीब्रा। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाई लीब्रा एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो लीब्रा। लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ। ओके लेट्स सी, एक्सप्रेस योर लव। ओके पेशेंस एंड फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। पेशेंस के साथ फियर्स भी, ऐसे नहीं होता है लीब्रा। लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है। एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर लीब्रा इन द मंथ ऑफ फेब 2024। अरे वैलेंटाइंस वीक भी तो होता है फेब में। अभी याद आया मुझे, ओ गॉड। लेट्स सी करेंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। 7 ऑफ कप्स, इंटेंशन ऑफ योर पार्टनर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पार्टनर, 2 ऑफ कप्स। योर एनर्जी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक सन। यार टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं लीब्रा। ओके ओके जोडियक साइन बता देती हूँ। लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस।
देखो एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। वही ना, पेशेंस एंड फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर साथ साथ में नहीं होना चाहिए आपके आपकी इसमें मैं बाद में आऊँगी। पार्टनर अभी आपका कंफ्यूज है, बट डोंट वरी, क्लैरिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, एक्शन लेंगे ये, बिल्कुल लेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। करेंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, सेवन ऑफ कप्स है, तो बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में, और ये कंफ्यूजिंग एनर्जी मेरे हिसाब से आपके एक्शंस की वजह से हो रहा है लीब्रा। आप लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी फर्स्ट लीब्रा, कि आप चाहते हो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखना, बट कहीं ना कहीं आप मूव ऑन भी करना चाहते हो। आपके अंदर पेशेंस, सुबह सुबह पेशेंस होता, रात तक आते आते आपको लगता है कि नहीं, आप मूव ऑन हो जाओ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। एंड आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है जिस वजह से ये पर्सन बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं लीब्रा। सो कहीं ना कहीं राइट नाउ दे फील दैट कि यार लीब्रा बड़ा कंफ्यूज कर रहा है मुझे। आई डोंट नो कि लीब्रा क्या चाहता है, क्या लीब्रा मेरे साथ रिलेशनशिप में चाहता है, क्या लीब्रा मेरे साथ टाइम पास करना चाहता है, क्या लीब्रा मेरे साथ शादी करना चाहते हैं। बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में है ऑफ व्हाट दे वांट टू डू विथ यू। सेकेंडली कहीं ना कहीं दे फील, अब ये कुछ लोगों से ही रेजोनेट हो सकता है, कि इस पर्सन को ये लगता है कि आप दोनों का जो करियर गोल्स है वो अलाइन नहीं हो रहा है, कि आप दोनों का जो लाइफ पाथ है वो अलाइन नहीं हुआ। शायद आप, शायद लीब्रा को, शायद आपको अब्रॉड जाना होगा और इस पर्सन को इंडिया में सेटल होना होगा। मे बी इस वजह से काफ़ी डिफरेंसेस हो रहे हैं, इस वजह से ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं वेदर टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और वेदर नॉट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, प्यार है क्योंकि कप्स की एनर्जी है, बट अभी भी दे आर नॉट श्योर वेदर टू कम अप टू यू टू प्रपोज यू टू एक्सप्रेस देयर लव। तो अभी कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, ऐसी इंटेंशन। नाउ पेशेंस विद किंग ऑफ सोर्स, ब्यूटिफुल एनर्जी एक साथ अलाइन हुई है। इंटेंशन देखो, ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक रिलेशनशिप, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, दे वॉन्ट अ स्टेबल स्टेबिलिटी इन लाइफ। ये पर्सन टाइम पास के लिए रेडी ही नहीं, ये पर्सन नहीं चाहता है कि मैं एक आध महीने किसी को डेट करूं, फिर मैं सिंगल हो जाऊं, फिर एक आध महीने किसी को पकड़ूं। नो, ये ऐसे पर्सन है कि भाई मैं सिंगल रहना पसंद करूंगा, बट मुझे एक अच्छा लॉन्ग टर्म सीरियस कमिटेड पार्टनर चाहिए। तो इंटेंशन कहीं ना कहीं, दे सी यू एज समवन कि हाँ, जिसके साथ एक पोटेंशियल फ्यूचर बिल्डअप किया जा सकता है, बट आपके एक्शंस एकदम डगमग डगमग हो रहे हैं, थाली का बैगन टाइप हो रहा है। सो अपने एक्शंस पे को ठीक करिए लीब्रा, मैं आपके एनर्जी में आ रही हूँ बार बार, क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी डाइसी दिख रही है। इनका इंटेंशन है टू कम इन टू अ रिलेशनशिप, लाइक आई सेड कि इनकी प्रायोरिटी करियर है, और कहीं ना कहीं अगर आप दोनों का करियर गोल्स अलाइन नहीं हो रहा है ना, देन दे आर नॉट विलिंग टू स्टे इन अ रिलेशनशिप विथ यू। बट इफ द फ्यूचर इज अलाइनिंग टुगेदर, अगर फ्यूचर गोल्स आप दोनों के साथ में अलाइन हो रहे हैं, डेफिनेटली दे वॉन्ट टू वर्क ऑन अ कनेक्शन विथ यू, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर। एक और चीज़ दिख रहा है कि इनके अंदर इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का बहुत अच्छा बैलेंस है। ये इमोशनल भी हैं, ये प्रैक्टिकल भी हैं, मतलब इनका जो एनर्जी है ना ओवरऑल, वो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में है ये पर्सन। सो दैट इज़ अ गुड थिंग लीब्रा, ये बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है, और कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपका वेट कर रहे हैं कि आप एक स्टेबिलिटी दोगे इस पर्सन को। इनको बस एक स्टेबल पार्टनर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एक स्टेबल, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टनर चाहिए। नाउ कमिंग टू द फ्यूचर एक्शन, दिस इज ब्यूटिफुल। 2 महीने के अंदर आप लोग एक रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर एक्शन में ये प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं आपको लीब्रा, बिल्कुल डेफिनेटली इनके फ्यूचर एक्शन में ये आपको प्रपोज करेंगे, ये अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। लव अभी उतना नहीं है, बट फ्यूचर में आते आते इनका प्यार आपके लिए और बढ़ेगा लीब्रा। फ्यूचर में डेफिनेटली दिस पर्सन इज प्रपोजिंग टू यू, दिस पर्सन इज कमिंग इन टू अ यूनियन विथ यू फॉर श्योर। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी लीब्रा, लाइक आई सेड, देखो डिसाइड कर लो क्या करना है आपको। अगर चाहते हो इस रिलेशनशिप पे वर्क ऑन करना, तो नेगेटिविटी हटाओ अपने माइंड से, अपने दिल से, और पॉजिटिव अप्रोच लाने की कोशिश करो। नंबर 1,
पेशेंस लाने की कोशिश करो. नंबर टू, ऑल्सो इफ यू फील दैट नहीं ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज माइंडसेट से है, बहुत टाइम से मुझे परेशान करके रखा हुआ है, नहीं मुझे मूव ऑन करना है, तो मूव ऑन कर लो. डिसाइड आपको करना है लीब्रा कि आपको क्या. मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन यूनियन में आते हुए दिख रहा है. बट अगर आप बहुत टाइम से, 1 साल से या प्रोबेबली 7-8 मंथ से आप इस पर्सन के पीछे पड़े हो और अगर आप स्थिति में हो मूव ऑन करने के, तो मूव ऑन कर लो. ये बीच में मत रहो. यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने वेव्स हैं, यहाँ पे शांति है. इधर रहोगे ना तो फिर बोट पलट जाएगी आपकी, विच मीन्स दैट आपका इमोशनल बैलेंस खत्म हो जाएगा लीब्रा. सो टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ. मैं बोलूंगी हो सके तो 2 महीने का और टाइम दो. 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग का यूनियन यूनियन दिख रहा है, इवन पैचअप दिख रहा है अगर ये एक्स का एनर्जी चेक करा रहे हो. सो पॉजिटिव माइंडसेट रखो लीब्रा एंड पेशेंस रखो, बिकॉज दिस रिलेशनशिप विल वर्क ऑन. ओके, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज स्ट्रेंथ, इट्स ब्यूटिफुल. स्ट्रेंथ का मतलब, स्ट्रेंथ का दूसरा नाम होता है पेशेंस. यू नो व्हाट लीब्रा, पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन वर्क ऑन हो. यू हैव टू कीप पेशेंस, वन. सेकेंडली, स्ट्रेंथ इज अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ यूनियन, लव, इन्फिनिटी. सो मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो लीब्रा. यू गाइज आर सो हाईली कंपैटिबल पीपल. आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करोगे. फ्यूचर में मुझे दिख रहा है करियर ग्रोथ होगा, पर्सनालिटी ग्रोथ होगा, लाइफ ग्रोथ होगा आप दोनों का एक साथ. एंड फ्यूचर में यूनियन है, फ्यूचर में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है. थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, नेगेटिव माइंडसेट हटाना पड़ेगा, एंड यू योर रिलेशनशिप इज जस्ट ब्यूटिफुल. क्लेम कर दो रीडिंग लीब्रा, और अगर कोई भी इशू हो तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडअप. बाय बाय.